अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस एवं आबकारी की दबिश, तकरीबन 3 लाख रुपए की अवैध सामग्री जब्त। आबकारी आयुष के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई कार्यवाही। दतिया कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के सहयोग से जिला आबकारी अधिकारी डीएन त्रिवेदी के मार्गदर्शन में आबकारी एवं पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए चिरूला थाना के अंतर्गत ग्राम फुलरा में आज मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए मौके पर 4000 लीटर लहान नष्ट किया गया एवं 524 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की एवं अवैध शराब बनाने के उपकरण के साथ अवैध शराब की अनुमानित कीमत 2,92,800 रुपए आंकी गई है। आबकारी अधिनियम के तहत 34(1)(2) प्रकरण एवं धारा 34(2) के तहत 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मौके पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में टीम सहायक जिला आबकारी अधिकारी KL भगोरा, आबकारी उप निरीक्षक अनिरुद्ध खानविलकर, आबकारी उप निरीक्षक TR वर्मा, आबकारी उप निरीक्षक सुश्री ध्वनि भदौरिया, चिरूला थाना प्रभारी शशांक शुक्ला, आबकारी टीम एवं पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। कार्यवाही को लेकर जिला आबकारी अधिकारी DN त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, दतिया से रजनी लिटोरिया की खास रिपोर्ट। आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय दतिया एवं SP महोदय दतिया के निर्देशन में थाना चिरूला ग्राम फुलरा में दबिश की कार्रवाई की गई है, जिसमें करीबन 4000 किलोग्राम महुआ लाहन शराब बनाने वाला एवं 524 वर्ग लीटर हाथ भट्टी मदरा जब्त हुई है। इसकी मदरा की कीमत और अन्य सामान की कीमत 2,92,600 रुपए करीब आंकी गई है। ये अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ सतत कार्रवाई है जो आगे भी जारी रहेगी। सर, कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं इसमें? कितनी गिरफ्तारी? करीबन 4 प्रकरण दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं क्या मौके से? 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ आरोपी भागने में सफल हो गए हैं, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।